नमस्कार अहिर भाई, फिर से नमस्कार। नमस्कार। ओके सर, घोड़े रखने के बाद आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? जैसे आप 1-1.5 साल से रख रहे हो, उस बीच या पहले आपको कोई परेशानियां हुई हो ऐसी, तो उसके बारे में बताइए। एक बात मैं आपको बताता हूँ श्रवण जी, कि घोड़े रखने के लिए ना बहुत बड़ा जिगर चाहिए। परेशानियों की बात अगर आप करोगे, हर रोज कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती है। बिल्कुल सही है। खाने से लेके इसके लोगों को, इसको मेंटेन करने के लोगों से लेके उसके मेडिकल हेल्थ में प्रॉब्लम आने से लेके, आपको क्या बताऊं कि हर रोज एक ना एक नई मुसीबत आती है। कभी कभी हमको राजस्थान से बंदों को लेके आते हैं या कहीं से बाहर से लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को ऐसे घोड़ा रखना नहीं आता है। उनको अगर घोड़ा दे दिया और उनको पता नहीं कि क्या करना है, तो वो प्रॉब्लम होता है। राजस्थान से काफ़ी लोग आए, लड़के आए, बाहर से आए, वो 1-2 महीना रुकते हैं, फिर एक दिन कभी जैसे ही पैसा मिल गया भाग जाते हैं। अच्छा, ये मेरे ही फार्म में नहीं, हमने सबके फार्म से सुना है कि ऐसा चल रहा है सीन करके। ओके, ओके। ये एक सिचुएशन है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है सबके लिए, सभी घोड़ा ओनर्स के लिए। ओके, ओके। और दूसरी चीज़ होती है जब मेयर्स वगैरह जो कवरिंग के लिए आती है, तो उसका क्या करेक्ट प्रोसीजर है, उसको कैसे करना है, ये चीज़ जो है हमको पहले पता नहीं था। फिर हमने अभी क्या किया है कि प्रोफेशनली सब कुछ, हमारे स्टेबल में एक मेयर आती है तो हमारा डॉक्टर पहले चेक करता है कि उस मेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो कन्फर्म करता है कि भाई ये कवर कर सकते हैं, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, हीट में आने का वेट करते हैं। हीट में आने के बाद डॉक्टर हमको बताता है कि इस दिन पे एक जंप आपको देना है उसको। अगर उनको शायद ऐसा लगे कि वो जंप में वो ठीक नहीं हुआ है या किसी कारण से, तो दूसरा एक जंप देते हैं। दो जंप से ज़्यादा हम कभी नहीं देते हैं। दो जंप देते हो? हाँ। उसके बाद वो मेयर को हमारे स्टेबल में ही रखते हैं हम। 14 दिन के बाद उसकी चेकिंग होती है। 14 दिन में वो चेक हो जाती है? हाँ, चेक हो जाती है। 14-15 दिन के अंदर हमको पता चल जाए, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड स्कैनर लगा के चेक करते हैं, हाथ वाथ डाल के नहीं करते हैं, तो करेक्टली उनका जो प्रोसीजर, सोनोग्राफी जो मशीन होती है। हाँ जी, हाँ जी, तो उससे करते हैं, उससे पता चल जाता है। और उस हिसाब से जब वो कन्फर्म हो जाती है, उसको फिर हम एक हफ्ता इधर ही रख के उनके ओनर को इन्फॉर्म करते हैं, और फिर वो आके यहाँ से उसको लेके जाते हैं। तो वो मतलब पूरी कंफर्म हो जाती है? पूरी कंफर्म हो जाती है। 14 और एक हफ्ता मतलब 21 दिन बाद में सारी कंफर्म। हाँ, एक हफ्ते के बाद, 21 दिन के बाद उसको हम पूरा कंफर्मेशन मिल जाता है, कंफर्मेशन अगले घोड़ी ओनर को भी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, एक और क्वेश्चन था मेरा, आपके हिसाब से मारवाड़ी घोड़ों को कहाँ तक ले जाना चाहते हो? श्रवण जी, आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि हम मारवाड़ी घोड़ों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल। हम हमारी औकात क्या है इनको कहाँ लेके जाना? नहीं नहीं, ऐसी ये घोड़े हमें ले जा रहे हैं। हम तो इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल। वो तो क्या है कि दिल लग गया है। देखो, मानता हूँ इस बात को कि घोड़े के पीछे अपन चल रहे हैं, बट एक सपना होता है। हाँ। आप दुबई से हो, दुबई में कैसे घोड़े हैं, वहाँ कैसे क्या है? हाँ हाँ। तो आप उस लेवल, दुबई के लेवल तक ले जाना चाहते हो, एक वो एक्सपीरियंस होता है। देखो, मारवाड़ी घोड़ों पर मेहनत करने वाले बहुत है, और बहुत से ऐसे लोग भी है जिसको लालच है ओनली। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल। बहुत से ऐसे भी है लालच। मेरा सीन क्या है पता है, मैं अभी 28-30 साल से मैं जॉब और बिजनेस और इन सब में लगा हूँ। ज़िंदगी की एक मोड़ पे ऐसा पहुंच गया हूं जहां सब कुछ बोर लगता है, किसी चीज़ में अभी इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई चीज़ आपको इतनी एक्साइटिंग नहीं लगती है। तब बचपन से दिल में जो एक पैशन था अपना, वो सडनली अपने को करने का मौका मिला, और जैसे ही वो मौका मिला, उसमें एक के बाद एक डेवलपमेंट होती गई। एक घोड़ा ख़रीदने के जगह पे आपने पता नहीं क्या क्या हुआ, आज आपका ऐसा फार्म बन गया है। पूरे इंडिया में हर स्टेट में लोगों से दोस्ती हुई घोड़ों के कारण, घोड़ों के कारण जान पहचान हुई, 4 लोग हमको जानते भी हैं आज। तो मेरा तो अभी, अगर हो सका, यू नो, ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं साउथ इंडिया में एक बहुत अच्छा एक ब्रीडिंग सेंटर मारवाड़ी घोड़ों का तैयार करना चाहता हूँ। ओके। और एक प्रोफेशनल वे लाना चाहता हूँ, जो मैंने यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में जैसे देखा है। ओके। जहाँ से जैसे उनकी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होती है, जो उनको कैसे उसका डाइट प्लान होता है, एक्सरसाइज प्लान होता है, उनको प्रॉपर राइडिंग टेक्निक्स पे लेके आना, और इस ब्रांड को जितना हो सके इंटरनेशनली, मेरे से जो हो सकता है
वो प्रमोट करूं, ये मेरा एक सपना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं सोचता हूं कि कल को कभी जब हमारे पास इतने ज़्यादा घोड़े हो जाएं और जब हमारा एक्सपोर्ट खुले, एक्सपोर्ट आज की डेट में अगर हम खोल देंगे तो हमारा सब कुछ निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि उतना नहीं है हमारे पास, उस लेवल के स्टॉक्स नहीं है हमारे पास। और अगर एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो इस घोड़े के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये दो तरह का प्रॉब्लम है, एक है कि अगर करना शुरू कर दिया तो सब निकल जाएगा, सब निकल जाएंगे। दूसरा अगर नहीं करोगे तो किसको पता रहेगा, पता इसके नहीं रहेगा। इंडिया से बाहर बाहर नहीं जा रहा है, हाँ। मारवाड़ी घोड़ा क्या है? तो मेरे ख्याल से तो एक कोटा सिस्टम या कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ पे यू नो आप इतना नंबर बेच सकते हो, या स्टैलियंस सिर्फ इतने दे सकते हो, क्योंकि स्टैलियंस हमको प्रोटेक्ट करने हैं। वरना अभी जैसे आप बता रहे थे वो गिर गाय का सेमन हम अभी क्या बोलते हैं ब्राज़ील और अर्जेंटीना से लेके आने वाले हैं, ताकि हमारी गायों को हम यू नो दिखा सकें उसको। नहीं तो सर फिर एक दिन ऐसा आएगा ना, जैसे एक्सपोर्ट में अगर पूरे घोड़े चले जाते हैं तो घोड़ों का सीमेन वहाँ से लाना पड़ेगा। हाँ वही वही अभी गिर गाय में यही हो रहा है ना। हाँ, तो गिर गाय वाला सैंपल यहाँ पे आ जाएगा। हाँ बस वही आएगा, वही आने यहाँ पे आ जाएंगे सारे घोड़े अगर एक्सपोर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही जो गिर गाय में हो रहा है वही यहाँ पे होगा। बिल्कुल, फिर घोड़ों के लिए तरसो यार, उसका सीमेन लेने जाना है वहाँ, वो बड़ी बात। तो ऐसा सीन ना हो, इसलिए मैं एक्सपोर्ट के बाद से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ इतना है कि भाई जो एक्सपोर्ट है वो यू नो थोड़ा सा सोच समझ के किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू हरी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आपका कीमती समय दिया मुझे और अच्छी बातें बताई आपने ब्रीडिंग को लेकर और एक्सपोर्ट को लेके और डाइट को लेके। और सबसे बड़ी बात, आपके पास जो राज प्रिंस घोड़ा है, एक देवव्रत घोड़ा है, और आपकी जो मेयर है काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। थैंक यू, थैंक यू, ओके। मुझे एक चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, कि बीच में जब हमारे पास हमने घोड़े वोड़े खरीदे और मुझे कुछ बड़े लोगों ने मुझसे बात हुई, कॉन्टैक्ट हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हरी भाई आपने राज प्रिंस जैसा घोड़ा लिया, देवव्रत जैसा घोड़ा लिया, लेकिन आप तो नए हो, आपने ये कैसे किया, यू नो, या क्या सोच थी आपकी, क्योंकि लोग ये देखते हैं वो देखते हैं, तो आपकी क्या सोच थी इसके बारे में। तो मैंने तो सिर्फ किसी से सुना था, यानी इस घोड़े इंडस्ट्री में कुछ किसी ने मुझे बताया था कि देखो भाई आपके पास जो भी है, नहीं है, पैसे हैं जो भी है, वो सब बात अलग है, आप पैसा देके घोड़ा खरीदने जाओ तो घोड़ा नहीं मिलता है आपको, आपके नसीब में जब होता है तो वो आपके पास आता है और आपके यहाँ का दाना खाता है, क्योंकि उसका नसीब आपके साथ और आपका नसीब उसके साथ जुड़ा होता है। तो मुझे इस बात की खुशी है श्रवण भाई कि इतने अच्छे अच्छे जो जानवर हैं इतने छोटे समय में मेरे साथ आके जुड़े हैं और मुझे उनकी सेवा का मौका मिल रहा है और उनके साथ अपना एक ऐसा चीज़ चल रहा है जो यू नो मैंने कभी सपने में चाहता था, लेकिन पता नहीं था कि इतने लेवल पे करूँगा। हाँ, तो अभी मेरा सपना अभी बहुत बड़ा देख रहा हूँ मैं। बड़े देख रहे हो पर आप मेहनत भी कर रहे हो। मेहनत भी कर तो रहे हैं, मेहनत का फल तो मिलेगा मिलेगा। हाँ, अभी ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। हरी भाई आपके जो साथ में खड़े हैं, हाँ, जरा इनका इंट्रोडक्शन करा दीजिए। ये है जूनियर हरी भाई, इनको ये हमारे कजिन हैं। ओके, अच्छा, तो जब मैं तो दुबई में रहता हूँ तो पोल्लाची का जो पूरा फार्म जो है यही देखते हैं, यही सुबह से लेके शाम तक घोड़ों की सेवा करते हैं। ओके, ओके, वो यानी सब कुछ इनके कंट्रोल में है यहाँ पे। ओके, मेरा ओके। तो जो सिर्फ वो ऊपर ही ऊपर से सारा काम रहता है, दुबई से बैठे बैठे। हाँ, बैठे बैठे। ये पसंद है। हाँ, हाँ, बस 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 बस। लेकिन जब वो सिलेक्शन हो जाता है, फिर जब घोड़ा वहाँ से निकलता है या यहाँ पे कौन सा घोड़ा किस में डालना है, कैसे करना है, किसी को कवरिंग देनी है नहीं देनी है, वो डिसीशन तक मेरा रहता है। ओके, ओके। और जो ऑपरेशनल जो काम होता है यहाँ से, उसके आगे जो काम होता है वो सारा काम इनके जिम्मेदारी पे रहता है। ये संभालते हैं। हाँ, ये संभालते हैं पूरा। इनके अभी 24-25 साल के नौजवान हैं, लेकिन उनको घोड़े में इतनी इंटरेस्ट है, शौक लग गया है, इतना शौक है कि सुबह 4-5 बजे से शुरू होकर रात के 12-1 बजे तक घोड़ों में ही रहते हैं। वैसे मैं बोलता हूँ कि ये लकी है, क्योंकि इनको वो मौका मिलता है। बिल्कुल सही। हमको तो 50 साल लग गए थे घोड़े में आते। ओके सर, आपके यहाँ पे जो कर्मचारी है काम करने वाले, वो कहाँ से हैं, जरा उनका भी बता दीजिए मुझे। अभी तो जो भी हैं सब राजस्थान के ही हैं।
राजस्थान के ही? हाँ जी। ओके ओके। कितने लड़के हैं आपके यहाँ पे पूरे फार्म पे? अभी हमारे यहाँ पे 3 लड़के हैं। 3 लड़के? हाँ, घोड़ों का काम देखने के लिए। ओके ओके। हाँ ठीक है तेरे भाई, थैंक यू। ऑलराइट सर, थैंक यू।